सब्सक्राइब करिए testbook.com को और बेल आइकन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सब लोग नहा धो लिए होंगे और कॉफ़ी चाय के साथ हमारा शो देखना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कंप्यूटर जी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो मोटिवेशनल कोट में आपका स्वागत है और मोटिवेशनल कोट आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की सलाह देगा। आप किसी भी फेज़ में रहें, हो सकता हो कि आप काफ़ी सफल हो जाएं अपने लाइफ में, लेकिन आपको बेस से जुड़ा रहना होगा। देखिए, कीप योर आइज ऑन द स्टार्स एंड योर फिट ऑन द ग्राउंड। अपने नज़र को अपने लक्ष्य पे रखिए और लक्ष्य के लिए जो भी रीज़न है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने नहीं दे रही, उसको आप हटाइए। कीप योर आइज ऑन द स्टार, अपने गोल पर फोकस रहिए। एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड मतलब कि हर वो काम करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो, और ऐसे काम बिल्कुल मत करिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए जो कि आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और स्टार्टिंग करेंगे अपने इंडेक्स के साथ। और आज आपको हम स्पोर्ट्स से लेकर एक्स्ट्रा हाईलाइट तक पढ़ाएंगे, मतलब कि ये सारे पॉइंट्स आप कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं स्पोर्ट्स के न्यूज़ के साथ। तो स्पोर्ट्स में पहला पॉइंट आपको हम क्या दिखाने वाले हैं, ये देखिए। तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेट मैगजीन लॉन्च, पहली वुमेन क्रिकेट मैगजीन लॉन्च हो गई है। उसके कवर पेज पे स्मृति मंधाना है, जो कि हमारी इंडियन टीम की वाइस कैप्टन भी हैं, तो ये उनके लिए अचीवमेंट की बात है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन क्रिक जोन नाम है इसका, क्रिक जोन हैज़ रिलीज्ड। इट हैज़ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना फीचर्ड एज द कवर स्टोरी। द पब्लिशर ऑफ द मैगजीन इज यश लाहोटी। तो यश लाहोटी इसके पब्लिशर हैं। मतलब आपको तीन पॉइंट ध्यान देने हैं, मैगजीन का नाम क्या है, क्रिक जोन, इसके कवर पेज पे कौन है, स्मृति मंधाना, और इस मैगजीन के पब्लिशर कौन है, तो यश लाहोटी इसके पब्लिशर हैं। तो ये तीन पॉइंट आपको लर्न करने, इससे ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और आपको और भी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा आपको रिविज़न कराते हैं, और रिविज़न का पॉइंट हमारा ये कि आपको चीज़ें याद रहें। फॉर एग्जाम्पल, ईशा सिंह और अकुल कुमार ने जूनियर मिक्स एयर पिस्टल इवेंट, जो कि जर्मनी के हैनोवर में हुआ था, वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। और बात कर ले तो फीफा ने अभी दो नए वुमेन्स अवार्ड की बात की है, एक वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड और एक वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये दोनों अवार्ड मिलान में होने वाले फीफा बेस्ट सेरेमनी 2019 में दिए जाएंगे। मिलान में ये होगा, कब होगा, 23 सितंबर, देख लीजिए यहाँ पर, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। अगर आगे बढ़ें तो मैंने आपको बताया था कि सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा, इन्होंने अपने 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 इवेंट, मतलब मेल और फीमेल सिंगल जीता स्क्वैश चैंपियनशिप में। और ये कहाँ, ये कौन सा टूर्नामेंट था, एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल इन क्वालालंपुर मलेशिया में ये हुआ था, ठीक है। और आगे बात करें तो 36 फिलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि वॉर्शा पोलैंड में हुआ था, इंडिया ने इसमें 6 मेडल जीते तो, और 2 गोल्ड मेडल थे, गौरव सोलंकी इसमें गोल्ड मेडल जीते, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। चलिए और देख लीजिए, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ने मेंस टीम के लिए ड्रैगन मिहाइलोविक को एज अ हेड कोच अपॉइंट किया है नेशनल टीम का, तो आपको ये भी पता है, आपके रिवीजन वाली पॉइंट है। तो हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे और स्पोर्ट्स में दूसरी न्यूज़ आज की आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं, और हमारी सेकेंड न्यूज़ है जेहान वॉन FIA फार्मूला 3 चैंपियनशिप। सबसे बड़ी बात यह है कि ये FIA फार्मूला 3 चैंपियनशिप कहाँ पर हुई, हम इसकी बात भी करेंगे आपसे। देखिए यहाँ पर, तो इंडियन रेसर जेहान दारूवाला वॉन द इनॉग्रल राउंड ऑफ द FIA फार्मूला 3 चैंपियनशिप, वन ऑफ द सपोर्ट इवेंट टू फार्मूला 1 इन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में ये टूर्नामेंट हुआ था, कौन सा टूर्नामेंट, FIA फार्मूला 3 चैंपियनशिप। इंडिया के रेसर हैं जेहान दारूवाला, उन्होंने ये जीत लिया। जेहान इज द वनली इंडियन टू विन अ ग्रैंड प्रिक्स व्हेन ही वॉन द न्यूजीलैंड ग्रैंड प्रिक्स।
तो ग्रैंड पिक्स जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं जब इन्होंने न्यूजीलैंड ग्रैंड पिक्स भी जीता था। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। जिहान दारूवाला FIA फॉर्मूला 3 चैंपियनशिप कहाँ पूरे बार्सिलोना में हुई, इतने पॉइंट आपको लर्न करने। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। आइए तो आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विनर 2019 की बात करें तो पूरे साल भर में 6 बड़े इवेंट होते हैं फॉर्मूला 1 कार रेस के। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन, चाइना, अजरबैजान, स्पेन, मोनाको। स्पेन मोनाको अभी नहीं हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वेल्टेरी बोटास ने जीता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन एंड अजरबैजान वेल्टेरी बोटास ने जीता है। और ये सारी कार मस्टीज कंपनी की हैं जो जीती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, मेंबर कंट्री 240 नेशनल मतलब नेशंस इसके मेंबर हैं और इसके प्रेसिडेंट हैं जीन तोड। देख लीजिए यहाँ पर नाम हमने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में एक न्यूज़ आपको हम और देंगे। तो नोवाक जोकोविक ने मैड्रिड ओपन टाइटल जीता है टेनिस का। नोवाक जोकोविक की बात कर रहे हैं, किसको इन्होंने हराया, हम पूरी लिस्ट भी आपको इसमें देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर नोवाक जोकोविक ऑफ सर्बिया, ये सर्बिया के हैं। याद रखना टेनिस खिलाड़ियों की कंट्री आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, तो जब भी किसी टेनिस स्टार का नाम पढ़िए तो उसकी कंट्री जरूर याद कर लीजिए। तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस तत्सीपिटास को हराया तो और हराकर अपना तीसरा मैड्रिड ओपन टाइटल जीता। यानी नोवाक जोकोविक ने अपना तीसरा मैड्रिड ओपन टाइटल जीता है, ये भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हियर इज द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर ऑफ 2019 मैड्रिड ओपन। आपको बेसिकली मैन सिंगल और वुमेन सिंगल याद रखना है। तो मैन सिंगल नोवाक जोकोविक और वुमेन सिंगल की बटन्स ने जीता है जो नीदरलैंड की हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा, आपको हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा मेंस डबल और वुमेन्स डबल की भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, रनर अप की भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, पूरी लिस्ट में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे सर्बिया के बारे में। तो सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी सर्बियन दिनार चलती है यहाँ पर और प्राइम मिनिस्टर अना बार्नाबिक है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं ग्रीस की तो कैपिटल एथेंस है एंड करेंसी यूरो है। अलेक्सिस टेसिप्रस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इनका नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और ग्रैंड स्लैम सिंगल फाइनल 2018-19 की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो चुका है 19 का जो कि नोवाक जोकोविक ने जीता है। और इसके अलावा हमने 18 की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो रेलवे और एसएससी वाले बच्चों के लिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग और इंश्योरेंस में ये सारे पॉइंट आपसे पूछे नहीं जाएंगे बिकॉज ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो जाती है बैंकिंग और इंश्योरेंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो अब IPL की बात होनी ज़रूरी है। तो मुंबई इंडियंस ने अपना चौथा टाइटल जीत लिया है IPL 2019 का। लास्ट ओवर तक का मैच खिंचा, मेरे ख्याल से सबने देखा ही होगा तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुंबई इंडियंस बिकम IPL चैंपियंस फॉर द फोर्थ टाइम आफ्टर डिफीटिंग चेन्नई सुपर किंग बाय 1 run इन हैदराबाद। यानी कि IPL का फाइनल हैदराबाद में हुआ, ये भी आपको लर्न करना है। और सबसे ज्यादा बार IPL जीतने वाली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस 4 बार, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग 3 times, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट तो आपको क्लियर होगा। और आगे अगर बढ़े तो महेंद्र सिंह धोनी बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL बाई टेकिंग हिस डिसमिसल टैली टू 132, सरप्राइजिंग दिनेश कार्तिक। तो MS धोनी इस IPL में सबसे मतलब पूरे IPL जितने हुए हैं अभी तक उसमें सबसे ज़्यादा सफल विकेटकीपर बन गए। इन्होंने स्टंप के पीछे 132 शिकार किए हैं, दिनेश कार्तिक ने पीछे किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर IPL के अवार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि IPL का जो ओपन सेरेमनी था वो किस मैदान में हुआ और फाइनल किस ग्राउंड में हुआ, ये दोनों पॉइंट आपको लर्न करने हैं। उसके बाद ऑरेंज कैप, तो IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को ऑरेंज कैप मिलती है जो कि डेविड वार्नर की मिली है। इस बार इन्होंने 692 रन बनाए हैं 12 matches में। ठीक, पर्पल कैप का मतलब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर, तो पर्पल कैप मिला इमरान ताहिर को, इन्होंने 26 विकेट लिए। जॉनी बेरेस्टो ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 114 रन, तो जॉनी बेरेस्टो का सबसे बड़ा स्कोर था इस IPL में। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें फाइनल में तो जसप्रीत बुमराह को मिला ये मैन ऑफ द मैच जो कि 2 विकेट लिए, 14 रन दिए अपने पूरे स्पेल में। ठीक है, और अगर आगे बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यही क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर ऋषभ पंत, लास्ट ईयर भी शायद आंद्रे रसेल थे। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो आंद्रे रसेल जो हैं इनको मिला है ये, इन्होंने 510 रन बनाए हैं एंड 11 विकेट लिए थे।
बेस्ट फेयर प्ले टीम की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। फास्टेस्ट 50 की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने बनाया 17 बॉल्स में अगेंस्ट कोलकाता, एंड परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन किरण पोलॉर्ड अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग। तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ये सारी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन तो आंद्रे रसेल, जिनका स्ट्राइक रेट 204.81 था। ठीक, स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन केएल राहुल को अवार्ड मिला है। एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड ये मिला है शुभम गिल को, ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, ऋषभ पंत को ये अवार्ड मिला लास्ट ईयर। एंड गेम चेंजर ऑफ द सीजन राहुल चहर को मिला है मुंबई इंडियंस। तो ये सारे अवार्ड आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो आईपीएल के बारे में आपसे बात हो रही है यहाँ पर, तो आईपीएल के बारे में बात करें तो करंट चैंपियन मुंबई इंडियंस बन गया है, फोर्थ टाइटल इसका है, आपको ये मालूम चल गया है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर चैंपियन की, चेन्नई सुपर किंग थे। सबसे ज़्यादा रन आईपीएल में विराट कोहली के हैं 5412, और मोस्ट विकेट लसित मलिंगा के हैं 170th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नेशनल अफेयर्स में आपको एक न्यूज़ लेकर आएंगे। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ओडिशा के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए यहाँ पर, हालांकि ये न्यूज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ओडिशा में पिछले 5 साल में कई सारे साइक्लोन आए, तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर ने केंद्र सरकार से अपना एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। ठीक है, इतना ही आपको लर्न करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस स्टेट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको लर्न करना है, पूरा आप कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, आपका टाइम खराब जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओडिशा के स्टैटिक जीके फैक्ट्स की बारे में बात कर ले तो स्टेटहुड 1 अप्रैल 1936 को मिला ओडिशा को, कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, बीजू जनता दल यहाँ की पार्टी है। ठीक, अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल का मतलब यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और विधानसभा में टोटल 147 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 21 सीट लोकसभा की हैं और 10 सीट राज्यसभा की हैं। और अगर हम बात करें लैंग्वेज तो उड़िया यहाँ की लैंग्वेज है, स्टेट डांस ओडिसी है, स्टेट एनिमल सांबर है, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, स्टेट फ्लावर अशोका है, स्टेट ट्री इंडियन फिक ट्री है। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं कुछ ओडिशा के। आगे बात करें साइक्लोन का मतलब क्या होता है, देखिए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जो भी ये तूफान आते हैं तो इन्हें इंडियन ओशियन में साइक्लोन कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन में इन्हें हुरिकेन्स कहा जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक एंड द साउथ चाइना सी में टाइफून्स कहा जाता है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोला जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अब केरला गवर्नमेंट का एक काफ़ी अच्छा स्टेप दिखाते हैं आपको। तो केरला गवर्नमेंट ने सारे स्टेट एम्प्लॉय के अटेंडेंस को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए बोल दिया है, ये काफ़ी अपने आप बड़ी बात है और केरला के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए बुरी बात है ये। देखिए यहाँ पर, तो केरलास लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट हैज़ मेड आधार बेस्ड अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑफिस इन द स्टेट। ठीक है, चलिए, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर टू इंस्टॉल आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम विद इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 5,60,000 ऑफिशियल्स फ्रॉम दोस इन द सेक्रेटरिएट टू गवर्नमेंट स्कूल स्टाफ विल नीड एन आधार नंबर टू ड्रॉ देयर सैलरी, और सैलरी निकालने के लिए भी आपको अपना आधार नंबर जरूरी होगा यहाँ पर। चलिए, तो ये केरला स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, तो आई होप कि ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे और सारे पॉइंट्स आपको लर्न भी हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको आधार के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आधार को 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। आधार जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आधार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर की पीपल की बात करें तो जे सत्यनारायण आईएएस जो हैं ये चेयरमैन हैं यूआईडीएआई के, और अजय भूषण पांडे जो हैं वो सीईओ हैं यूआईडीएआई के। तो ये की पीपल हैं, ये भी आपको लर्न करना है। आधार में 12 डिजिट होते हैं, आपको ये पता ही है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भाई आधार नंबर कितने होते हैं, तो 12 डिजिट कोड होता है, आपको ये पता ही है। ठीक है, और अगर इसमें पढ़ने वाली बात की बात करें तो इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। आगे केरला के स्टैटिक जीके फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो केरला को 1956 नवंबर में स्टेटहुड मिला, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। गवर्नर है पी सदाशिवम और चीफ मिनिस्टर हैं पिनेरारी विजयन, मतलब सीपीआई के पार्टी के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आगे बात करें लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर भी केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है।
उसके बाद केरला के स्टेट सिंबल भी नीचे हमने आपको दिए हुए हैं। केरला का डांस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो एक मोहिनीअट्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डांस फ्रॉम केरला, और एक आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों भी आपको अलग से लर्न करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल है, जहां पर इंडियन पवेलियन को भी शामिल किया गया है। इंडियन पवेलियन का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर इंडिया के लोगों को बैठने के लिए जगह दी जाएगी यहां पर प्रॉपर, और इंडिया के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो इंडियन पवेलियन टू बी सेट एट कान फिल्म फेस्टिवल की बात यहां पर हो रही है। देखिए यहां पर, तो इंडियन पवेलियन is set to be inaugurated at Cannes Film Festival, which will be held from 14th to 25th May 2019. तो 14 से 25 मई ये इवेंट चलेगा, ये फिल्म फेस्टिवल इवेंट है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, द इंडियन डेलीगेशन दिस ईयर विल बी लीड बाई श्री अमित खरे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे मिस्टर अमित खरे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो अमित खरे का नाम भी आपको लर्न करना, ये सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी के नाम बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे अब दोबारा आपसे कहना ना पड़े। एक कॉपी में एक अलग से नोट्स बनाइए सेक्रेटरीज, और उनके नाम लिखना शुरू करिए। ठीक है, चलिए। द फिल्म डेलीगेशन वुड कंसिस्ट ऑफ श्री प्रसून जोशी, चेयरमैन ऑफ CBSE, अक्लेम्ड फिल्म मेकर श्री राहुल रवेल, श्री शाजी एन करुण एंड श्री मधुर भंडारकर। मतलब कि और इस जो टीम रहेगी, इसमें अमित खरे के अलावा जो हैं तो प्रसून जोशी होंगे, इसके बाद राहुल रवेल होंगे, श्री शाजी एन करुण होंगे, एंड श्री मधुर भंडारकर भी शामिल होंगे इस पूरे पैनल में। ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में रिवीजन की तरफ। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, इन्होंने 17 न्यू एडवोकेट्स अपॉइंट किए हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट। दिस इंक्लूड द इंडियन एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड द चीफ ऑफ अलीबाबा ग्रुप जैक मा। तो आपको ये पता ही है, 17 न्यू एडवोकेट एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किए हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लाइट में दिखाऊंगा। अभी एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, जिसका हेडक्वार्टर केन्या में है, और एक रिपोर्ट का नाम है सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल सैंड रिसोर्सेज। इस लिस्ट के हिसाब से इंडिया और चाइना जो हैं ये टॉप के ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इनकी दो दिन की मीटिंग हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में, और इसमें फाइनेंस कमीशन के बैंकों के प्रमुख और RBI के हेड्स लोग थे। तो एक मीटिंग हुई थी कहाँ पर? मुंबई में। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया कि डेंगू की एक नई मेडिसिन आ गई है, डेंगवाक्सिया। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, तो ये भी आपको लर्न ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिशूर। त्रिशूर एक जगह है केरला में। त्रिशूर में पूरम फेस्टिवल की शुरुआत हुई। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल बिगिन, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द 2019 एडिशन ऑफ द त्रिशूर पूरम इज एन एक्स्ट्रावेगेंट टेम्पल फेस्टिवल इन केरला। यानी त्रिशूर पूरम का 2019 का संस्करण केरला में एक टेम्पल में शुरू हुआ है। टेम्पल का नाम क्या है? टेम्पल का नाम है वड़कनुनाथन टेम्पल, और ये त्रिशूर में टेम्पल है जहाँ पर ये पूरम फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। तो देख लीजिए, वड़कनुनाथन मंदिर में हम बात कर रहे हैं, और ये उस दिन सेलिब्रेट होता है जिस दिन एक्चुअली पूरम नाम का एक स्टार है। तो पूरम नाम का स्टार जब मून के साथ दोनों साथ में अराइज होते हैं तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर, तो 54 ईयर ओल्ड एलिफेंट थेची कोटू कवु रामचंद्रन, तो ये भी उत्सव में पार्टिसिपेट किया था। अब इसका नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केरला में एक एक्सीडेंट हो गया था इसी हाथी की वजह से, जिसमें दो लोग मारे गए थे। तो इस हाथी पर बैन लग गया था, तो इस बैन को हटाया गया है, और उसके बाद इस हाथी को इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। तो इस हाथी का नाम भी आपको लर्न कर लेना है, हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, फेस्टिवल की बात कर ली, केरला में हुआ, आपको ये लर्न रहेगा। तो अगर आगे बात करें तो आपको कुछ फेस्टिवल का रिवीजन कराना हमारा कर्तव्य है। देखिए यहाँ पर, देखिए रोंगाली बिहू फेस्टिवल, तो बिहू फेस्टिवल कहाँ होता है? असम में होता है, आपको पता ही है। तो ये अप्रैल में हुआ। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन, द प्रयागराज कुंभ मेला 2019 हैज़ मेड इनटू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रयागराज कुंभ मेले को शामिल किया गया तीन वजहों से। एक, लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट्स अंडर पेंट माई सिटी स्कीम, एंड बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म कुंभ मेला। तो इन तीन कैटेगरीज में कुंभ मेला को मिला था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, और देख लीजिए, द सेवेंथ एडिशन ऑफ द कोल्हापुर
कोल्हापुर फिल्म फेस्टिवल बिगिन ऑन February 7 ऑफ 2019 इन कोल्हापुर महाराष्ट्र. तो ये तो नाम से याद हो जाएगा कि भाई कोल्हापुर फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, कोल्हापुर में हुआ जो महाराष्ट्र में है. और देख लीजिए काला घोड़ा फेस्टिवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप मुंबई घूमने जाएंगे तो CST स्टेशन के पीछे ही काला, ये जो वो इमेज आपको दिखाई पड़ रही है वो आपको दिख जाएगा. तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करना है. आगे बात करें फ्लैमिंगो फेस्टिवल क्या हुआ, तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में हुआ, तो ये भी याद कर लीजिएगा, रिविजन वाली बात है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल न्यूज और अफेयर्स की एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम देते हैं. ठीक है, देखिए हिंदुजा ब्रदर्स नेम्ड UK's वेल्दीएस्ट पीपल. हिंदुजा बंधु ब्रिटेन के सबसे धनी व्यक्ति नामित हो चुके हैं. आइए इनके बारे में बात करें, इनकी संपत्ति के बारे में बात करते हैं. द बिलियनियर हिंदुजा ब्रदर्स हैव बीन नेम्ड एज द वेल्दीएस्ट पीपल इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर अ थर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू द संडे टाइम्स रिच लिस्ट. तीसरे साल लगातार ब्रिटेन के सबसे धनी व्यक्तियों के नाम अगर सामने आए हैं तो हिंदुजा ब्रदर्स ने टॉप किया उसमें. ठीक है, और अगर हम बात करें इनके असेट की, तो श्री एंड गोपी हिंदुजा सॉ देयर फॉर्च्यून इंक्रीज बाई 1.356 बिलियन पाउंड और 1.7 बिलियन डॉलर इन द लास्ट ईयर ऑफ 222 बिलियन पाउंड. तो 22 बिलियन पाउंड की अगर बात करें, मतलब कि लास्ट ईयर से 22 बिलियन पाउंड इनकी पूरी संपत्ति, पूरे असेट हो गए हैं. तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हिंदुजा ग्रुप की बात करें तो मुंबई से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 1914 से. चलिए हिंदुजा ग्रुप की बात करें, 1914 से शुरुआत हुई और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और की पीपल हैं SP हिंदुजा चेयरमैन है, SP हिंदुजा चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप के. चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दें. यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू होल्ड ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 इन लिस्बन पुर्तगाल. तो ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 जो है वो लिस्बन पुर्तगाल में होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड कर लिया है. और दूसरी न्यूज़, तो आपको बताया कि जापान ने 400 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली स्पीड चलने वाली ट्रेन का परीक्षण करना शुरू कर दिया है. 2030 तक ये ट्रेन चलने लगेगी, आपको मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस इकोनॉमी के कुछ न्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाते हैं आपके सामने यहाँ पर. ठीक है, देखिए एशियन इकोनॉमी टू डोमिनेट 7%. तो एशियाई अर्थव्यवस्था 7% पर रहेंगी, इसका मतलब क्या है आइए देखिए. यहाँ पर द 2020s आर सेट टू बी द एशियन डिकेड विद द कॉन्टिनेंट डोमिनेटिंग एन एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड टू सस्टेन ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%. तो कहा गया एक रिपोर्ट में कि 2020 की जो इकॉनमी है वो उसमें एशिया डोमिनेट करेगा और पूरे एशिया की ग्रोथ रेट 7% होगी. देखिए इथोपिया एंड आइवरी कोस्ट आपने नाम सुना होगा, तो इथोपिया एंड आइवरी कोस्ट की भी जो ग्रोथ रेट है वो 7% रहने की उम्मीद है, एक रिपोर्ट में बोला गया ये सब. ठीक है, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश वियतनाम म्यांमार एंड द फिलीपींस शुड ऑल मीट द बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू द रिसर्च नोट. मतलब इन देश भी, ये देश भी क्या है, अपने अपने बेंचमार्क को पा लेंगे जितना इन्होंने टारगेट किया है. तो आपको बस याद रखना है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने ये बोला है कि एशिया की इकॉनमी 7% होगी. अब ये रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं है तो ये उतना ऑथेंटिकेट नहीं है, हो सकता है एग्जाम में ना है, लेकिन अब न्यूज़ है तो हमको देनी पड़ेगी आपको. ठीक है, आइए लिस्ट ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल. मतलब कि अगर आप एशियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनके हेडक्वार्टर और इनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है. अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो एशियन कंटिनेंट तो आपको याद हो जाएगा, फिर बचेगा अमेरिकन कंटिनेंट और यूरोप कंटिनेंट, तो वो भी आप धीरे धीरे याद कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इंडिया एक प्लान बना रहा है, एक स्कीम लॉन्च करने वाला है, उस स्कीम के बारे में बात करते हैं. यूनिवर्सल डेप्ट रिलीफ स्कीम, यूनिवर्सल डेप्ट रिलीफ स्कीम को लॉन्च करने की योजना इंडियन गवर्नमेंट बना रही है. ये क्या है देखिए, इसके बारे में देखिए. India has begun work on a universal debt relief scheme for small borrower aimed at micro enterprises, small farmers and artisans. मतलब जो small borrowers होते हैं, जैसे जिनकी छोटी सी company है, business है, या छोटे किसान हैं या artisans हैं, तो उनको इससे help मिलेगी. क्या criteria है आइए देखते हैं. यहाँ पर इंडिविजुअल बिलो अ स्पेसिफाइड इनकम एंड असेट थ्रेशोल्ड विल बी एलिजिबल फॉर डेप रिलीफ. यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम प्रॉपर्टी है, असेट्स है, या जिनकी इनकम कम है, तो उनको इससे फायदा मिलेगा. लेकिन क्या कोई बेंचमार्क है गवर्नमेंट का जिससे इसमें लोग सेलेक्ट होंगे? जी हाँ, बेंचमार्क है. आपको हम बेंचमार्क दिखाते हैं. देखिए तो क्या बोला गया है बेंचमार्क में, उसकी इंफॉर्मेशन देखिए. यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, पीपल विथ एनुअल इनकम ऑफ ₹60,000. मतलब ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 60,000 तक है या उससे कम है, ठीक है, और ऐसे लोग
आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ रुपीज 35,000 और लेस. ऐसे लोग जो कि गरीब तो हैं, इन्होंने लोन भी लिया हुआ था लेकिन इन्होंने लोन चुका दिया है लेकिन अभी 35,000 रुपीज़ चुका नहीं पाए. तो ऐसे लोग जिनके ऊपर 35,000 रुपए का लोन है, उससे कम का लोन है, ठीक. एंड असेट वर्थ रुपीज 20,000 और लेस, या जिनके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 20,000 रुपए या उससे कम है. तो ये तीनों लोग चुने जाएंगे हमारी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम में, देख लीजिए, यूनिवर्सल डेप्ट रिलीफ स्कीम में ये लोग चुने जाएंगे. तो ये इन्फॉर्मेशन अभी इतनी आई है जो हमने आपको दी है, ठीक है. आगे बढ़े और बात करते हैं आपसे रिसेंट बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज की 2019 की. तो आपको पता है कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट TFE, इन्होंने एक MOU साइन किया था पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के साथ. याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इंडियन रेटिंग्स ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेटिंग्स को लो कम कर दिया है, INDAA- कर दिया है. ये भी आपको पढ़ाया गया है. और आपको आगे बात करें तो रिलायंस ब्रांड, मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक कंपनी है जो कि हैमले को पूरा एक्विजिशन कर रही है 68 मिलियन पाउंड में. तो ये भी आपको पढ़ाया गया पॉइंट है. और भारत पे ने UPI पे अपने कस्टमर को ऐड किया है, ये भी आपको पता है. ETMoney ने किया, ये भी आपको पता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बिजनेस इकोनॉमी में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज्ड न्यू मोबाइल एप्लीकेशन. तो RBI ने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन की प्रस्तावना दी है, मतलब लॉन्च करने वाला है. देखिए, द RBI proposes टू कम आउट with अ मोबाइल एप्लीकेशन टू aid visually impaired person इन identifying इंडियन करेंसी नोट. मतलब ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते हैं, तो इंडियन करेंसी को पहचानने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है. क्या आप में से मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि किस हाई कोर्ट ने RBI को ये कहा था कि विजुअली इम्पायर्ड के लिए एक एप्लीकेशन आप लॉन्च करिए? उस हाई कोर्ट का नाम बताइए. ये करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा. आपको याद है कि नहीं, कमेंट करें, मैं कमेंट आपको देख रहा हूं, ठीक है. देखिए चलिए, तो क्या बोला गया कि एट प्रेजेंट अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो करेंसीज प्रचलन में है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, 2000 रुपए, ये चल रही हैं. तो इतनी करेंसीज हैं कि पहचानने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत थी. द मोबाइल एप्लीकेशन शैल प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एज वेल एज ऑडियो नोटिफिकेशन. मतलब कि ये मोबाइल एप्लीकेशन कई भाषाओं में होगा और इसके साथ ऑडियो से भी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी. मद्रास हाई कोर्ट आंसर आ रहा है. जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट जो है वो सही आंसर आपने दिया, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. 1935 में इसको बनाया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें 100% स्टेक है लेकिन RBI एक्ट भी पास हुआ है तो गवर्नमेंट का पैसा भरे लगा हो लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी ही है. शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, आपको ये पता ही है. यहाँ पर सब्सिडरी की बात करें तो RBI की सब्सिडरी तो DICGC है, BRB, NMPL भी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी है. लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक अब क्या हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी बन गई है. लिखा भी है नॉट मोर अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपको शायद ये याद भी होगा, 1450 करोड़ रुपीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे परचेस कर लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब इसके बाद RBI के कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं. मैं पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे शो में आए हैं तो हमारे PDF से आप इसे पढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट ऑफ रिसेंट समिट की इन्फॉर्मेशन आपको दे दें. तो कौन कौन सी समिट 2019 में हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन, वेन्यू और उसकी थीम क्या थी, हमने इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और आई होप कि आप याद कर लेंगे, ठीक है. चलिए डेज एंड इवेंट की बात करते हैं और हम 12th मई की बात करेंगे. तो 12th मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या थी, थीम पर भी आएंगे. तो इंटरनेशनल नर्स डे 12th मई को हर साल मनाया जाता है और अगर हम बात करें 1965 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था. इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी नर्स अ वॉयस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल, अ वॉयस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल. तो ये इसकी थीम थी जो आपको लर्न करना है, ठीक है. अवस्टक प्ले बोल रहा है कि मेरा 19th को वोट है, किसको वोट दूं, कोई बताओ, बताइए इनको किसको वोट दिया जाए और ये वोट देकर आए. अरे अपने से समझो किसको वोट देना चाहिए, कब तक दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे, थोड़ा बड़े बन जाओ, सोचो समझो, इकोनॉमी को समझो और एक राइट कैंडिडेट को वोट दो, ठीक, बस इतना समझो बस. चलो आगे बढ़ते हैं और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मंथ ऑफ जून. और वोट नहीं दे रहे हो तो आज के 20 साल तक रुक जाओ, 20 साल के बाद सीधे मुझे वोट देना, ठीक. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्म, मेरे कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं मतलब बनूंगा पॉलिटिशियन बनूंगा. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मंथ ऑफ जून की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये याद कर लेंगे आप लोग, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट. आइए अब आपको हम ले चलते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट में और एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपको हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी विन
प्रीमियर लीग टाइटल 2019। तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी जो है ये प्रीमियर लीग टाइटल जीत गया है, किसको हराया है हम उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए यहाँ पर तो मैनचेस्टर सिटी क्लिंच देयर फोर्थ प्रीमियर लीग टाइटल आफ्टर विनिंग द 2018-19 सीजन। तो चौथा प्रीमियर लीग टाइटल है मैनचेस्टर सिटी का, किसको हराया गया हम उसकी बात यहां पर करते हैं। देखिए यहां पर देखिए मैनचेस्टर सिटी रजिस्टर्ड अ 4-1 विक्ट्री अगेंस्ट ब्राइटन टू एक्यूमुलेट 98 पॉइंट, वाइल लिवरपूल हु वेयर आल्सो इन द टाइटल रेस फिनिश सेकेंड विद द 97 पॉइंट। तो अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी की तो इन्होंने ब्राइटन टीम को हराया 4-1 से, जिनको इनको काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल गए 98 पॉइंट, और लिवरपूल को 97 पॉइंट ही मिले। तो लिवरपूल सेकेंड प्लेस पर रहा और आपका मैनचेस्टर सिटी पहले नंबर पे आ गया है। ठीक, और इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी है अभी आपको याद होगा कि लिवरपूल के डिफेंडर थे विर्जिल वैन डिक, इनको प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था। मैंने ये पढ़ाया हुआ आपको, तो ये आपको याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो सना मीर बिकम हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर इन वनडे इंटरनेशनल। तो पाकिस्तान की ऑफ स्पिनर सना मीर की हम बात करें, हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन ओडीआई स्पिनर इन हिस्ट्री आफ्टर शी टुक 147 विकेट। तो इन्होंने टोटल 147 विकेट ले लिया है, और वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग स्पिनर बन चुकी हैं, पाकिस्तान के लिए खेलती हैं। ठीक है, 147 विकेट इन्होंने लिया अभी हाल में। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, और करंटली मीर जो है ये थर्ड पोजीशन पे हैं इन आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग, जिसमें टॉप पर झूलन गोस्वामी इंडिया से हैं वो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट में न्यूज़ नंबर 3 की। तो क्रोशिया के इगोर स्टिमैक टू बिकम इंडियन फुटबॉल टीम कोच, क्रोशिया के इगोर स्टिमैक को भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में अपॉइंट किया गया। देखिए यहाँ पर फॉर्मर क्रोशिया इंटरनेशनल एंड मैनेजर इगोर स्टिमैक विल बी अपॉइंटेड एज द इंडियन मेन टीम कोच आफ्टर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टेक्निकल कमेटी रिकमेंडेड हिम फॉर द पोस्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर तो इंडियन मेन्स टीम कोच की हम बात कर रहे हैं, तो क्रोशिया के इगोर जो आपके हैं इनको मिला है कोच का पद, काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए। क्रोशिया के बहुत बड़े मैनेजर आ रहे हैं, हो सकता हो कि इससे बढ़िया हो इंडिया के लिए। ठीक है, इगोर स्टिमैक की बात हम कर रहे हैं। चलिए, जो कमेटी बनी थी जो कि कोच का सिलेक्शन कर रही थी उसके हेड थे श्याम थापा, ये भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, श्याम थापा इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज़ नंबर 4 की। तो इंडिया यूके साइन एग्रीमेंट टू बूस्ट इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। तो भारत प्रशांत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत यूके के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। आइए हम उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम एग्रीड टू इंक्रीज देयर कोलाबोरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिलेशंस एंड डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अमंग अदर एरियाज। तो इन मुद्दों पर इंडिया और यूके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। किनके बीच में हुआ है उनकी बात कर ले यहाँ पर। देखिए, द टू कंट्रीज हेल्ड फॉरेन ऑफिसर कंसल्टेशंस वेयर द इंडियन साइड वॉज लीड बाई फॉरन सेक्रेटरी विजय गोखले। यानी विजय गोखले हमारे फॉरन सेक्रेटरी हैं, ये भी आपको लर्न करना है। मैंने क्या बोला था, एक पेज बनाइए उसमें सेक्रेटरीज के नाम लिखना शुरू करिए, सेक्रेटरी के नेम डिपार्टमेंट। तो मैं आपको दूसरे सेक्रेटरी का नाम बता रहा हूँ, विजय गोखले, ये हमारे फॉरन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और यूके के साइड से कौन था, सर सीमोन मैकडोनल्ड, ये परमानेंट अंडर सेक्रेटरी फॉरन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये उस पोस्ट पर है। तो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज़ नंबर 5 की। तो ये न्यूज़ मैं आपको दे चुका हूँ लेकिन थोड़ी दी थी इन्फॉर्मेशन, अभी पूरी ले लीजिए। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू होल्ड इट्स 2020 हाई लेवल कॉन्फ्रेंस अर्ली जून इन पोर्टुगल लिस्बन। तो 2020 में जून में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस करने वाला है पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में, ये याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो सकती है, बिकॉज 2020 में ये होनी है लेकिन अभी से न्यूज़ में ही आ चुकी है। ठीक है, आइए न्यूज़ नंबर 6 की बात करते हैं। तो सेंट्रल टीम अराइव इन ओडिशा टू असेस द डैमेज बाई साइक्लोन फैनी। तो चक्रवाती फानी द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल एक ओडिशा पहुंचा है। इस केंद्रीय दल में कौन लीड कर रहे हैं ये सब नाम बड़ा जरूरी हो जाएगा। देखिए यहां पर, अ 9 मेंबर सेंट्रल टीम, ये आपको पहला पॉइंट लर्न करना है। अ 9 मेंबर सेंट्रल टीम रिच ओडिशा टू असिस्ट द डैमेज कॉज्ड बाय साइक्लोन फैनी दैट रिवेट द स्टेट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अच्छा, द इंटर मिनिस्ट्रियल टीम इज बीइंग लीड बाय एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर विवेक भारद्वाज। तो विवेक भारद्वाज जो है ये 9 मेंबर टीम को लीड कर रहे हैं, अब ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा।
ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, बिफोर बिगिनिंग द ऑन द स्पॉट असेसमेंट इज द अफेक्टेड एरियाज द टीम मेंबर विल बी ब्रीफ्ड बाई स्पेशल रिलीफ कमिश्नर बीपी सेठी. अब देखिए स्पेशल रिलीफ कमिश्नर फॉर ओडिशा कौन है, बीपी सेठी है, तो ये भी लर्न करेंगे. फेनी तूफान काफी बड़ा साइक्लोन था और जितने भी क्वेश्चन हैं सब पढ़िएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आना ही आना है, वो तय है. ठीक है, तो बीपी सेठी का नाम आपको लर्न कर लीजिएगा. मतलब क्या बोला गया है उसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर. देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि बीपी सेठी मतलब कि प्रभावित क्षेत्रों में ऑन द स्पॉट मूल्यांकन शुरू करने से पहले टीम के मेंबर्स को विशेष राहत आयुक्त बीपी सेठी द्वारा सूचित किया जाएगा कि कैसे आपको करना है असेसमेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 7 की बात करते हैं. न्यूज़ नंबर 7, तो भोजपुरी फोक सिंगर हीरालाल यादव पास्ड अवे. तो भोजपुरी के लोक गायक हीरालाल यादव का निधन हो गया है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि इनको 2019 में ही एक अवार्ड मिला था. देखिए तो पद्मश्री अवार्डी भोजपुरी फोक सिंगर हीरालाल यादव डाइड एट द एज ऑफ 93. यादव वॉज फेमसली नोन एज बिरहा सम्राट. इन्हें बिरहा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है. बिरहा एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश का, जो यूपी वाले हैं वो जानते होंगे. ठीक, यादव वॉज फैसिलिटेटेड विथ पद्मश्री अवार्ड दिस ईयर इन जनवरी 2019. इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. And also honored with Yash Bharati Award by the Uttar Pradesh government in 2015. अब भले ये वाला point आपके exam में ना है, लेकिन पद्मश्री award मिला जनवरी में, तो वो point important है आपके लिए. आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 8 की बात करते हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैप. कहां पर किया, आयुष के बारे में बात करते हैं. देखिए यहां पर Our Honorable Vice President Mr. M. Venkaiah Naidu inaugurated the Jaipur Foot Artificial Limb Fitment Camp in Hanoi during the 4-day official visit to Vietnam. Yani Vietnam ki capital Hanoi mein hamare uprashtrapati ne Jaipur Foot Artificial Limb Fitment Camp ko shuruaat ki hai. Ye apne 4 din ke daure par Vietnam mein gaye. The camp is being under the India for Humanity program in the context of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी की 150वीं जन्म तिथि के संदर्भ में India for Humanity लॉन्च किया गया था, तो उसके मौके पर ये कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है, आइए न्यूज़ नंबर 9 की बात करते हैं. तो 58 वेनिस बिनेले इज हिल्ड फ्रॉम 11th मई टू 24th नवंबर 2019 एट वेनिस इटली. मतलब कि 8 साल के गैप के बाद इंडिया इसमें फिर से अटेंड करने सेरेमनी जा रहा है. आइए देखिए, तो इंडिया मार्क्ड इट्स प्रेजेंस एट द 58th वेनिस बिनेले इटली विच विल बी हेल्ड फ्रॉम 11th मई टू टिल 24th नवंबर 2019. 6 महीने की पीरियड पूरी होती है इसकी. ठीक है, द टाइटल ऑफ द एग्जीबिशन इज मे यू लाइव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स. देख लीजिए तो इस एग्जीबिशन का टाइटल क्या है वो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है. ठीक है, तो 58 वेनिस बिनेले की बात कर रहे हैं. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 10 की बात करते हैं. आईपीएस ऑफिसर हु ओवरसा निर्भया रेप केस रिसीव मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019. यानी निर्भया रेप केस के मामले को देखने वाली आईपीएस अधिकारी को मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 मिला है. इनका नाम क्या है, आइए देखते हैं. आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा कन्फर्ड विद द 2019 मैकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप. तो इनको ये अवार्ड मिला है और ये निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस के लिए जानी जाती हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया था. आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 11 की बात करते हैं आपसे. देखिए, According to a recent report released by the United Nations Environment Program titled Sand and Sustainability, ये मैं बता चुका हूँ. तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि इंडिया चाइना टॉप कंट्रीज है. नंबर एक पर चाइना है, नंबर टू पर इंडिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलीगल सैंड माइनिंग होती है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही है. तो ये भी देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी फाइंडिंग न्यू सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंट गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल सैंड रिसोर्स. ये इसका नाम है रिपोर्ट का. ठीक है, आइए आगे बढ़ें और आपसे बात करेंगे नेक्स्ट नंबर, न्यूज नंबर 12 की. तो प्रवीण परदेशी अपॉइंटेड एज द न्यू बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चीफ. तो प्रवीण परदेशी को बीएमसी का नया हेड बनाया गया है. क्यों बनाया गया है, इनके बारे में देखिए. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस हैज अपॉइंटेड प्रवीण परदेशी एज द न्यू बीएमसी चीफ. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अजोय मेहता जो है वो सेक्रेटरी बन गए हैं महाराष्ट्र के, तो प्रवीण इनको रिप्लेस करेंगे. ये इंफॉर्मेशन दोनों लिंक हैं, तो ये आपको लर्न करना है. ठीक है, चलिए
तो और आज के लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं. वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम, इनका नाम है एनी हैथवे वॉज ऑनर्ड विथ अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम इन लॉस एंजल्स. तो अब तक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक एनी हैथवे को लॉस एंजल्स में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार के साथ सम्मानित किया गया. तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स थी. आज 3:30 पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, जहां पर हम बैंकिंग के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे. आपको आना है और धमाल मचाना है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए. थैंक यू सो मच. आपका दिन मंगलमय हो. PDF मैं आपको दे रहा हूँ.